नहीं बना तो हस्बैंड देता है ना, तो हलाला तो हस्बैंड का होना चाहिए ना। नहीं बना तो हस्बैंड देता है ना, तो हलाला तो हस्बैंड का होना चाहिए ना। मौलाना ये कौन है मौलाना आखिरकार, जो ये बोलते हैं, फतवा जारी करते हैं कि एक महिला मार्केट नहीं जा सकती, एक महिला किसी गैर मर्द से अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगवा सकती। ये वही मौलाना है जो धर्म के नाम पर इतना बड़ा कुकर्म करते हैं। इसे हलाला के बजाय अगर रेप कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं, पीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले ही हमारा चंद्रयान गया था। महिलाएं सभी धर्म में मार्जिनलाइज्ड हैं, ऐसा नहीं है, सभी धर्म में मार्जिनलाइज्ड हैं। मैम सुनिए, कुछ दिन पहले हमारा चंद्रयान गया था, उसकी हेड महिलाएं थी, उसको जो है लीड किया था महिलाओं ने। कितने गर्व की बात है और कितने दुविधा की बात है कि एक तरफ इस देश में महिलाएं चंद्रमा तक जा रही है, मंगलयान तक को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, सक्सेसफुल बनाया उस प्रोजेक्ट को, और एक पर्टिकुलर तबका ऐसा है ना जो कि मुस्लिम, अगर 20 करोड़ यहाँ पे मान लीजिए मुस्लिम है तो 50% मुस्लिम महिलाओं की आबादी है, तो मुस्लिम महिलाएं भी हमारे लिए प्राइड का सब्जेक्ट है, गर्व का सब्जेक्ट है, और उनका टैलेंट और उनकी जो देश के ग्रोथ में भागीदारी होनी चाहिए वो हमारे लिए प्राइड का सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे लोगों ने जो हलाला मुता निकाह, जिन्होंने जानबूझ के एक शरिया की चद्दर ओढ़ ली है कि जी वो चद्दर उनका ऐसा टक्सडो है, ऐसा रक्षा कवच है कि उस पे ना संविधान काम करेगा, ना कानून करेगा, कोई नहीं करेगा, और अपने सारे फायदे लेते रहेंगे। चलिए मैं इन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है, जो गुनाहगार है उसको दिया जाए तो हस्बैंड देता है ना, तो हलाला तो हस्बैंड का होना चाहिए ना। तीन तलाक तो हस्बैंड देता है ना, तो हलाला तो हस्बैंड का होना चाहिए ना। अगर वो हस्बैंड पहले गलती करता है कि तीन तलाक देता है, देने के बाद फिर दूसरी गलती करता है कि उसको वापस पाना चाहते हो, तो हलाला तो हस्बैंड का करवाना चाहिए ना। ये कौन सा नियम है कि जो गलती करे गुनाह की सजा उसको ना मिले, जो बेगुनाह है उसको सजा मिले। मिश्रा जी बात यहाँ पर ये है कि हलाला जैसा कोई प्रावधान कोई शब्द है ही नहीं इस दुनिया में। नहीं, बात ये है ना, हस्बैंड ना पुरुष ना महिला, हलाला जैसी जो मानसिकता है हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतना समझना है, ना महिला ना पुरुष, हलाला शब्द करता है हमारे देश में ने मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बाजारुकरण होता है, वस्तु की तरह आप महिलाओं को प्रयोग कर रहे हैं। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अगर आप सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं, तो आपके लिए मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म में। मैरिज दो परिवारों का संगम होता है, आत्मीय मिलन होता है। ये सिंपली बोल देते हैं कि जी हमारे यहाँ तो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम जब चाहे हलाला लें, जब चाहे हलाला करें, जैसे करें। इससे बेहतरीन शोषण का तरीका आपको धर्म के आड़ में कहीं नहीं मिलेगा। कुरान ठीक है, प्रियंका, मुसलमानों की इस्लाम की किताब है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूँ, मुल्लों ने जो इसको बोलते हैं जाहिर है मैंने शुरू किया है। मिश्रा जी इसी बात की है कि ये जो मुल्ला की बात बोलते हैं कौन है, संविधान को पूरे देश को। प्रियंका जी बिल्कुल, और तीन तलाक और हलाला जैसी कुरीतियां हमारे देश पे कलंक हैं, अभिशाप हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा समाज ही कुछ एक हिस्सा है जो इसको सपोर्ट करता है, और उन्हीं सपोर्ट की वजह से आज ये लोग अपनी हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि खुले आम ये किसी को भी किसी तरह से भी मजबूर कर देते हैं हलाला के लिए। और आज 21वीं सदी में हम इस बात पे डिबेट कर रहे हैं, ये भी हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि आज जैसे कि भी बोला गया चंद्रयान पे महिलाएं पहुंच गई हैं, उसके बाद आज हम हलाला के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ताहिरा जी से भी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तीन तलाक इलीगल है, आपका हलाला तो बिल्कुल वैलिड है ही नहीं। तो मुस्लिम महिलाएं सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है जब महिलाएं जाती हैं। मुस्लिम महिला साइंटिस्ट बन जाए तो उसको भी फतवा दे देंगे ये। नहीं, फतवा देने से कुछ नहीं होता है, अगर जो फतवा चलिए ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ में प्रियंका राबिया राव इस वक्त जुड़ी है। राबिया जी राबिया से सबसे पहले बातचीत करेंगे। राबिया सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद, जो हिम्मत आपने यहाँ पर दिखाई है उसके लिए हम आपको आपके जज्बे को सलाम करते हैं। जाहिर तौर पर आप बाहर निकली है, कम से कम आपने आवाज उठाई, आपके साथ में जो हुआ उसको लेकर आपके साथ में क्या कुछ हुआ आप प्लीज हमें पहले डिटेल में बताइए। जी जी, मेरी शादी 2000
2016 में हुई थी राव मुनीर के साथ, और 2017 में उन्होंने हम जयपुर में किसी रिलेटिव में गए हुए थे। मैंने एक हफ्ता हो गया था, मैंने बोला आज चलते हैं घर, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाना है। जस्ट इतनी सी बात पर उन्होंने मेरे को तलाक तलाक वर्ड बोल दिया और फिर उसके बाद वापस घर लेकर आ गए। और तलाक देने के बाद भी उन्होंने मुझे अपने साथ रखा रुकी में, और अब फिर बोला कि हलाला कराना पड़ेगा तभी वापस आ पाओगी मेरे साथ। जब मैंने इस चीज का विरोध किया तो मेरे घर से निकाल दिया गया, और जब मैं अपने घर पर आ गई और उसके बाद फिर दोबारा से कॉन्टेक्ट में आ गए, कह रहे नहीं है मैं आपका हलाला नहीं कराऊंगा, और मैं मतलब आपके मतलब मुझे एक तरह से गेम प्लान किया मेरे साथ। और फिर 2019 तक मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहे, और फिर अब फिर से जब घर ले जाने की बात आ गई तब फिर से बोले हलाला कराना पड़ेगा तभी घर लेके जा पाऊंगा। मतलब एक तरीके से गुड़िया गुड्डी का खेल बना रखा है कि जब मर्जी आई आपने तीन तलाक दे दिया कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, जब मर्जी आई आपने फिर से जोड़ लिया, फिर आप हलाला की बात करते हैं। इसमें आपने प्रशासनिक क्या कुछ हेल्प की कोशिश आपने की है, और क्या कुछ हेल्प आपको अभी तक मिल पाई है? जी जी, सबसे पहले मैंने एसएसपी सर से मिली थी और मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन दी थी, फिर उसके लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। जब काउंसलिंग हुई मेरी हस्बैंड के साथ, तब मुझे उनकी रियलिटी पता चली, तब मुझे पता चला ये मुझे सिर्फ चीट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे चाहे फांसी चढ़ाओ चाहे मुझे जेल भेजो, मैं अब आपको वापस नहीं लेके जाऊंगा। उसके बाद FIR सर से, एसएसपी सर से दोबारा से मिली, उनके कहने पर मेरी FIR लिखी गई, और फिर डीएम सर से भी मिली हूँ मैं सांड रुके, और उनके कहने पर मेरे 164 के स्टेटमेंट हुए। जी, तो FIR के बाद आगे अभी क्या कुछ उसमें कार्रवाई की गई है आपके हस्बैंड के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ? FIR के बाद देखिए मुझे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी मेरे साथ, क्योंकि जो मेरी आयो थी वो उनके साथ मेरे एक्यूज को बता रही थी सब कुछ, बट मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी। मीडिएशन में मेरी फाइल भेजी थी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर हम फिर से SSP सर से मिले, और जो आयो है मेरी उसकी इंक्वायरी बिठाई गई, तब कार्यवाही जब नहीं हो पाई सही से इंक्वायरी के बाद भी, फिर मैं डीएम साहब से मिली और उनके कहने पर 164 के मेरे स्टेटमेंट हुए, और अब मुझे यकीन है मुझे इंसाफ मिलेगा। ठीक है, मैं सीएम सर से भी मिली थी जब वो सहारनपुर आए थे, उनसे भी मिली थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है मुझे, और अब मुझे है कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। तो अभी एसएसपी से या डीएम की तरफ से या पुलिस की ओर से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अभी तक दी गई है कि आगे किस तरीके से प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे? नहीं, एसएसपी सर और डीएम सर की मुझे पूरी सपोर्ट है, और वो हेल्प भी मेरी कर रहे हैं, और वो तो दोनों मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, और उनके कहने पर इतना कुछ हो भी रहा है। ठीक है, शिवम जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा बहन राबिया को कि जो कदम आपने उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। इस देश में महिलाओं के खिलाफ कोई भी अगर अत्याचार करता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सरकार की तरफ से बिल्कुल एकदम परेशान ना हो, सरकार और प्रशासन आपको हर तरह से मदद करेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के मौलवी मुल्लाओं से या किसी से भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है, और मैं आपके इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं। आपने बहुत हिम्मत दिखाकर यहां तक आप आए हैं, तो बिल्कुल डरिएगा मत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सरकार आपके साथ बिल्कुल खड़ी हुई है। जी, ताहिरा जी, मेरा ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को वायलेट किया है तो ये उसने एक क्राइम किया है ना, हाईएस्ट कोर्ट के वर्डिक्ट को, तो उसको कम से कम पकड़ा जाना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल। और फिर उन मौलानाओं का नाम राबिया को बताना चाहिए, ये जो लोग इसमें थे जो इनका हलाला कराने को तैयार थे उनको जेल में भेजना चाहिए, वो तो तैयारी कर रहे थे। ऐसे जो मौलवी हैं उनका आप लोग सामाजिक बहिष्कार करिए, और उनको बोलिए कि इनके घर में कोई शादियां नहीं होंगी। जिस घर में तीन तलाक और हलाला का कल्चर मिले उस घर में कोई शादी नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो खुद उनके निशाने पे हैं। नहीं नहीं, ये 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 इस मुहिम को चलाया जाना चाहिए कि जिस घर में तीन तलाक और हलाला का रिकॉर्ड मिले वहां पर उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, पूरा समाज ही इसमें इंक्लूड है, पूरा समाज ही इसमें इंक्लूड है। सर एक मिश्रा जी, चलिए ठीक है, आपके घर में कहीं तीन तलाक हो? एक मिनट मिश्रा जी सुबोई बोलिए। बीमारी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हलाला जो है वो इतना हमारे मुस्लिम समाज को सड़ाने वाली एक बीमारी, इतना अंदर तक जड़ों तक चली गई है कि इसमें समाज में एक रेवोल्यूशन क्रिएट होने की जरूरत है। कानून तो है ही, अगर किसी का भी हलाला हो रहा है उस पर सीधा सीधा रेप लॉ लगती है, लेकिन वो एक औरत जिसके दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि एक इस्लामिक प्रैक्टिस है, तो उसको वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए करना बिल्कुल
चलिए ठीक है, सुबह ही माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, समय मेरे पास बस इतना ही था। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि आखिरकार कानून बनाया गया, सारी चीजें सख्त की गई, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन सपोर्ट तो करता है, लेकिन उस तरीके की तत्काल प्रभाव से कार्रवाई इस मामले पर भी अभी तक हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम मुस्लिम महिलाएं जागरूक होकर बाहर तो आ रही हैं, एक आवाज तो निकल रही है, भले ही उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़े, उनके ऊपर फतवे जारी कर लिए जाए, उसके बावजूद भी हिम्मत के साथ में वो खड़ी है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने का ये प्रयास है जिसमें सरकार और प्रशासन पूरा समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो संक्रमित बीमारी हमारे समाज में फैल रही है, मुल्ला मौलवी जो ये बीमारी फैला रहे हैं उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।